शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारी नाकामी के कारण हमारी दुल्हन की छठ पूजा पूरी हुई। नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा ना अम्मा जी। तुमने अपना सोशल मीडिया देखा क्या? एक ने तो कमेंट भी किया है, बीवी डॉक्टरानी और पति परोसे पानी। तो अपनी जबान दो, शिबू से बात करेगी, कहो उसे कि कैंटीन का काम छोड़ दोगे। लोग उस वीडियो पर कैसी कैसी बात लिख रहे हैं। हम कह देते हैं, अपने मुंह में हम तभी नेवाला डालेंगे जब तुम शिबू से बात करोगे। श्रवणी, 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 तुम गिरी तो नहीं ना? ठीक करूं? लगी तो नहीं? नहीं माँ, हम ठीक हैं। अरे बाप रे, दूध का गिरना अच्छा शगुन नहीं होता है दुल्हन। सारी बुरी बलाओं को हमारे घर से दूर रखना प्रभु। ओ मां पवित्रो पवित्र सर्वस्थाओं, पवित्रो पवित्र सर्वस्थाओं, पवित्रो पवित्र सर्वस्थाओं, मां पवित्रो पवित्र सर्वस्थाओं। वो कहा है ना नानी, इनको तो आप जानती हैं, जब तक हम ही पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध नहीं करेंगे ना, ये घर में एक पग भी नहीं रखेंगे। हम बता रहे आपको, ए जी सुनिए, आइए जी। पाय लगे नानी। ओ जीते रहो, जीते रहो दामाद जी। तभी हम सोच रहे थे कि इतनी रात गए, कौवा काहे बोल रहा है। तो बिटिया और दामाद जो आ रहे थे। मालती और दामाद जी, आपको ब्याह पे हम नहीं बुला सके। लो अपने भाभी से तो मिलो, ये है शिबू की दुल्हनिया श्रवणी। नमस्ते। और दुल्हन ये है शिबू की बहन मालती, हमारी जीजी की नातिन। और ये है अखिल बाबू, हमारे दामाद जी। नहीं नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। नमस्ते। और ये हमारा सिब्बू, हमारा भाई। कछु याद है कि है? हमारे साले साहब है, देखो कितने बड़े हो गए, हमसे भी कद में ऊपर। दीदी आप लोग यहाँ अचानक?
हाँ पहले बता देते तो शिबू आ जाता स्टेशन पर। अरे दादी अब हमको क्या मालूम कि हमको यकायक से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ही इतना जरूरी था तो आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा जलपान करे। हाँ दुल्हन जाके दो थाली तो लेके आना। जी अम्मा अभी लाते। तू कहाँ है खड़े खड़े मुंह ताक रही हो, इनकी रहने की व्यवस्था करो। जी अम्मा जी। चलो। हाँ मम्मी बोलो। स्वीटी हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। क्या मम्मी यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है और आप सब कुछ छोड़ के बाहर कहीं जा रही है? मम्मी हद है हद, आपको कोई पड़ी नहीं है ना? अब ना अभी मान लीजिए कि आप में वो पहले जैसी बात नहीं रही। अब हार चुके हो श्रवणी से। चंद्रा ना कभी हारी है और ना हारेगी। तुम्हारे पापा ने भले ही हमसे रिश्ता तोड़ दिया पर हम अपने रिश्ते निभाना जानते हैं। तुम्हारे लिए पूरी सेटिंग करके जा रहे हैं। हमारे लौटने तक शिवांश और श्रवणी के बीच धमाके हो रहे होंगे। लौट के आने पर खुशखबरी दे, क्योंकि शिवांश अपना जॉब छोड़ेगा नहीं और इसकी वजह से शिवांश और श्रवणी के बीच होंगे झगड़े। वाह मम्मी वाह, मान गए। सुनो जल्दी आ जाना ठीक है? क्यों तुम झूठ काहे गए? बोलो सच काहे नहीं बताए सबको कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी तरह माता खराब नहीं हम आया है? एक तो तुम्हारे चक्कर में इस दहलीज पे कदम रखना पड़ा हमको। हमारे कारण नहीं, हम दोनों के कारण। कहा है ना कि इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, हम दोनों का फायदा है, समझे? ज्यादा लिब्रिया नहीं। सुनो ध्यान रखो, नजर रखो उस शिवांश और श्रवणी पे। देखो वो क्या कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता है। ठीक है, हमारे काम की शुरुआत यहीं से होगी। क्या? और आपने बात मान ली तो क्या आप सच में हमारी नौकरी छोड़वाएंगी? कि नहीं पापा, मतलब हद है, अब हम काम भी ना करें। ओफो, शिवांश तुम भी ना शांत हो जाओ। मतलब हद हो गई, हम आपसे नौकरी की बात कर रहे हैं और आप है कि पानी भर रही है। तो पानी पियो। मैं प्यास नहीं है। पियो ना प्लीज। अच्छा अब हमें ये बताइए आपको हम पर विश्वास है ना? है ना? हाँ है। अब देखो आपको हम पर विश्वास है फिर भी अपनी बात मनवाने के लिए, हमारा मतलब है पानी पिलाने के लिए आपसे दो बार विनती करनी पड़ी है ना? उसी तरह इंसान अड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़े कि उनसे लड़ा जाए। दूसरे तरीके से भी तो अपनी बात मनवाई जा सकती है ना? हाँ चलो मान लिया कि अम्मा की जिद है, ये भी कह सकते कि हमारी विनती करने से वो हमारी बात ना माने, लेकिन उन्हें एहसास दिलाना होगा कि ये नौकरी का फैसला बिल्कुल सही है। श्रवणी वो अम्मा है, एक बार अपनी जिद पे अड़ जाती है ना फिर वो सुनती नहीं है किसी की। जानते हम,
और ये भी जानते कि वो बिल्कुल हमारी तरह, हम क्या कम है उनसे। छठी मैया का व्रत करके कॉलेज जाने के लिए उनको मना लिया था ना, बस अब फिर से ऐसी कोई फिरकी घुमानी जिससे उन्हें ये समझ में आ जाए कि ना नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत है और ना हमारे रिश्ते को लेकर डरने की। शिवांश, अम्मा को बस हम दोनों की चिंता है, उनकी इरादे गलत नहीं है। अच्छा, तो बीवी जी ये बताइए कि ये सब हम करेंगे कैसे? एक साथ मिलकर। तो हमने कुछ सोचा है। सबसे पहले मशरूम भैया को फोन लगा, क्या कहा ये तो सही। अरे आप भी ना। माँ, माँ हम जा रहे हैं, बाजार से होते हुए लौटेंगे, आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। हाँ हाँ, रुक, ये लिस्ट में कुछ सामान मैंने लिखा है, ये लेते हुए आ जाना। जी। दुल्हन, इधर आओ। अम्मा, हमने उनसे बात कर ली, वो आज से काम पर नहीं जाएंगे। और ये रहा उनका इस्तीफा, हम खुद उनका इस्तीफा देने जा रहे हैं। ठीक है दुल्हन। अरे आओ आओ आओ, मिलाते हैं अभी, आओ। भैया जी, अरे जय हो भैया जी की। अरे भैया जी देखो, ले आए आपकी पूरी टोली। वाह, आओ आओ आओ। ये लोग हमसे पूछ रहे थे, भैया तो शादी के बाद सीधा नौकरी पकड़ लिए, दिखाई भी नहीं दिए। अरे हमने कही चलो मिलाते, आ जाओ। भाई आओ यार, आओ बैठो। अरे आओ, अब होगा जश्न, अब जमेंगे महफिल। लगाओ पत्ते, लगाओ पत्ते, लाए ना पत्ते, निकालो यार। और भाई बहुत दिनों बाद, सब बढ़िया? अरे भैया जी हम तो यही हैं, आप ही नहीं दिखाई दे रहे थे। ए शिबो, दुल्हन कॉलेज जा रही है और तुम पत्ते खेल रहे हो। तो अम्मा और क्या करेंगे हम? अरे मूछ आ गई तुमको, हम क्या बताएं? कैंटीन मैनेजर की नौकरी ना सही, जाकर बड़के ठाकुर के साथ कोई काम करो। अम्मा ये ना होगा हमसे, मतलब हम ससुर जी क्या काम करें? अम्मा ये शाम के खिलाफ है हमारी, उल्टा बरादरी और समाज हम पे थूकेगा, तरह तरह की बातें बनाएगा, इससे अच्छा तो हम गुंडागर्दी कर ले। अम्मा अब ना तो हम मैनेजर की नौकरी करेंगे और ना ही कोई और काम करेंगे, बस। तो क्या करोगे? अरे अम्मा हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हमारी बीवी जी। He can't. देखो अम्मा, बीवी करेगी हमारी डॉक्टरी और हम करेंगे एस। अरे पत्ते लगाओ यार। अम्मा हम चलते, आशीर्वाद दीजिए। हाँ। अरे बीवी जी वो क्या है ना, कॉलेज से लौटते वक्त है ना, अरे वो हलवाई है ना, अरे बिल्लू हलवाई चौराहे पे नुक्कड़ में सीधे हाथ पे, हाँ वही, उससे आते वक्त आलू की कचौड़ी और जलेबी लेते आइएगा। भाभी जी 250 ग्राम जलेबी ज्यादा लाना। उका है ना, हमको मीठा बहुत पसंद है। अरे मजनू तेरी तो। अरे सरपनी, सरपनी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। एक बात बताओ, ये कहाँ हो रहा है सब? काहे कि हम तो सुने थे कि शिवांश का बहुत बढ़िया सा नौकरी है। हाँ फिर काहे छोड़ दिए? नौकरी बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन छोड़ दिए।
अच्छा, अब हम चलते, हमें लेट हो रहे हैं। ठीक है, नमस्ते। अरे भैया बढ़िया किए जो आप ये नौकरी छोड़ दिए। अरे आप ठहरे बादशाह आदमी, अपन किसी की जी हुजूरी करेंगे क्या? आप लायक ही नहीं हो इस नौकरी के, मेरा मतलब आपके लायक ही नहीं है ये नौकरी। अच्छी कह रहे भैया जी, पुराने दिन पूरे वापस आ गए, पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। अपन तो ऐस करेंगे बस। अबे चलो। हेलो, अब क्या बात कर रहे हो बे? अरे रुको वहीं पे यार, भैया के ठोकते उनको, ऐसे कैसे हो रहा है? आ रहे हैं वहीं पे। क्या हुआ भैया? अरे हमारा दोस्त है राजन, अरे लौंडे ठोकरे चौराहे पे उसको यार। क्या मार रहे? बताओ, हम नौकरी में भिजी क्या हुए, यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। चलो आगे निकालो। चलो भाई बताओ हॉकी, चलो। आज उन लौंडो को लैला नहीं बना दिया तो हमारा नाम मजनू नहीं। तो चलो भैया। अम्मा आप भी चलेंगे क्या? अरे अम्मा हम संभाल लेंगे। संभाल तो हम तुमको लेंगे। अम्मा यहाँ से एक कदम भी बढ़ाया ना तो हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। खबरदार जो दोबारा गुंडाई की तो। और तुम लोग भागो यहाँ से। चलो चलो यहाँ से। अरे अम्मा, अरे अरे अम्मा क्या कर रही है? अम्मा थोड़ी देर में आ जाएंगे। अम्मा वहाँ राजन मुसीबत में है, पिट जाएगा। और हम यहाँ सारा दिन घर पे क्या करेंगे? अरे बैठने को किसने कहा? चलो दौड़ो और मोटरसाइकिल सीधे कॉलेज में जाके रुके। उसके पहले जो रुकी तो डंडा नहीं रुकेगा। दुल्हन इस्तीफा दे, उससे पहले जाके कॉलेज पहुंचो और इस्तीफा रोको। कैंटीन और ये घर संभालो, हाकी नहीं। अरे अम्मा आप ही तो बोले थे नौकरी छोड़ दो, तो छोड़ दी। तो आप हम ही कह रहे नौकरी करो। जो गलती की थी वो उसे सुधार रहे हैं। ए मजो इधर इधर आ। तो मारोगी तो नहीं अम्मा? कान खोलकर सुन ले, शादी हो गई है इसकी, अभी जिम्मेदार आदमी हो गया है ये, अभी ताश वाश कुछ चलेगा नहीं यहाँ पे, समझे? ठीक है अम्मा। ए जा अभी। चलो 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 चलो। वाह अम्मा वाह, आप तो छा गई, दिल खुश कर रही आप तो। अरे हड्डियां तोड़ दोगे क्या? अम्मा जी हाँ, हमारी बात सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप भरोसा रखिए ना हम दोनों पर, हमारा जो रिश्ता है ना ये जरा जरा छोटी छोटी बातों पे नहीं टूटे। अरे अम्मा बहुत क्यूट लगते हो आप। बाकी सारी बातें छोड़ और दुल्हन को रोक जा। हाँ जाते हैं जल्दी फटाफट, ठीक है? अरे अरे अम्मा ये डंडा छोड़ दीजिए, उम्र रही है आपकी डंडे की। सब आपका ही कराया था ना जी? वो बहुत तेज हो और तेज लोग हमका बहुत पसंद है प्रहलाद जी। का लग रही हो आप? इस साड़ी में आप बहुत जच रही हो। गुलाब का फूल लग रही हो इसमें। अरे घबरा का रही हो? अच्छा नानी से डर रही हो? नानी को हम निपटा देंगे, हमारे बीच जो भी होगा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। भाई वाह बीवी जी, आपने तो मतलब अपना जलवा बना रखा, आपने हिटलर को मना लिया।
भाई वाह क्या बात है। नमस्ते दिया जी। नमस्ते साले साहब। चलते चलो चलो देर हो रही कॉलेज के लिए चलो चलो। शिवांश तुमने कपड़े ले लिए अपने? हाँ हमने सब कुछ रख लिया अब चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे। दामाद जी आपने बुलाया? बात यह है कि आपकी जो नातिन है उनके परिवार ने आपको जो दिया उसी की बदौलत ये आपकी पूरी शान शौकत और पूरा वंश चल रहा है। याद कीजिए नानी आपने कहा था उचित समय आने पर उस एहसान का कर्जा आप चुकाओगी। क्या चाहिए दामाद जी? श्रवणी और शिवांश का पहला बच्चा आप हमका दे दें। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।